हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने आज शिक्षा को लेकर गैर जिम्मेदाराना बातें की। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा का अधिकार पाना सबका हक है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग गलत हो सकती है, स्थान गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जबकि सरकार अनेक मर्तबा कह चुकी है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद किए जाएंगे। यही नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री ने कनीना में हुए स्कूल बस हादसे को लेकर भी, बच्चों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि को लेकर भी बात गोलमाल कर दी। जबकि घटना के दौरान शिक्षा मंत्री ने कनीना अपने दौरे के दौरान आर्थिक सहायता को लेकर लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा था कि चुनाव के बाद मृतक बच्चों के परिजनों को सरकार की ओर से कोई ना कोई आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन आज शिक्षा मंत्री ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि स्कूल संचालक जेल में है और क्या चाहिए। नेता अपनी बात से कितनी जल्दी मुकर जाते हैं, यह बात शिक्षा मंत्री के दावे से भी सामने आ रही है। अच्छा, गैर मान्यता वाले हम बंद करवा दें जी, ठीक। बच्चों को कहाँ लेकर के जाएंगे पेरेंट्स? मेरी नज़र में अगर आप समाज में, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो राजनीति, सरकार और जनता सबको बराबर से देख रहा है, प्रशासन को देख रहा है, एक बार घूम के देखेंगे, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आज भी फीस देने के लायक नहीं है। और ये जो छोटे स्कूल हैं उनके घर के इतने नज़दीक हैं कि माएँ जो हैं अपने बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए भेज के खुद सारा दिन रोटी कमाने के लिए चली जाती है। गवर्नमेंट स्कूल तो कैपेबल है, गवर्नमेंट स्कूल तो हमने खोले इसलिए, ये चॉइस मैं बोल लूँ पूरा कर लूँ भाई साहब, है ना, ये चॉइस पेरेंट्स की है, ये चॉइस स्कूल वालों की नहीं है, ये पेरेंट्स की चॉइस है कि हमने बच्चे को कहाँ भेजना है। आप हर व्यक्ति अपनी मजबूरी के अनुसार अपने बच्चे को नज़दीक, मैं तो देखती हूँ, मैं तो महिला हूँ जी, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बेचारे किसी और बिल्डिंग में झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सरकारी स्कूल का डिस्टेंस बहुत ही दूर लगता है, और गली में एक किसी ने दो जमात का स्कूल खोल लिया तो माँ को लगता है कि 8 घंटे। सरकार निर्णय तो सरकार का ही है क्या, कि बार बार जब प्रेस रिलीज होती है कि मान्यता प्राप्त जो स्कूल नहीं है उनको बंद किया जाएगा, इस तरह की रिलीज तो गवर्नमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से अभी तक नहीं आई, यानी वो चलेंगे। मैंने अभी ये भी नहीं कहा, मैंने अभी अवैध और वैध, मेरे लिए शिक्षा सुनी, अगर सारे इकट्ठे बोलोगे मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, एक आदमी बोलेगा तो जवाब दूंगा, कोई कार्रवाई नहीं की। मैं बता रही हूँ ना, मेरी नज़र में शिक्षा हमेशा वैध है, शिक्षा कभी अवैध नहीं होती है। उसका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग अवैध हो सकती है लेकिन शिक्षा हमेशा वैध है, और हर व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन में ये अधिकार है कि वो अपने बच्चे को घर में ट्यूटर बुला के बिठा के भी पढ़ा सकते। लोकसभा चुनाव में मुआवजा तो उस वक्त भी दिया जा सकता था, उस वक्त ये विषय नहीं था, किसी ने, मैं सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। दूसरी बात यह, जो वो लोग मिले जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया वो उन सब परिवारों तक मान, आप किसी के भी बदले में, किसी की जान किसी भी तरीके से गई हो, बदले में पैसा कोई कीमत नहीं होती, मैं ये समझती हूँ। लेकिन मैं बता, आप कंप्लीट कर रही हूँ, वो जब उनसे मिले, उन माननीय मुख्यमंत्री जी को जो सही लगा उस समय उन्होंने वो करा। दूसरी बात यह, आज वो स्कूल के सारे लोग अंदर बंद हैं। तीसरी बात यह है, वो स्कूल का पोजेशन हमारे पास है, इसके अलावा कुछ सुझाव देंगे तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी बात, जब ये घटना हुई जी, तमाम प्रशासन पूरे हरियाणा में सक्रिय हो गया, अब निष्क्रिय हो गया है। निष्क्रिय नहीं है, आप एक नहीं है, नहीं नहीं, उसके बाद में एक हादसा और होते होते बचा, एक बस का टायर निकल गया, यानी कि जो पासिंग बसों की होती है उसमें आज भी अनियमितताएं बरती जा रही है, सीरियसली विभाग नहीं ले रहा है। देखिए मैं तो आपको प्रूफ दे सकती हूँ जहाँ पर इनके ऊपर चालान रखे गए, ठीक है, और ज़्यादा फिर बाबूगिरी भी तेज कर दोगे तो स्कूल वाले काम कैसे करेंगे। आपको काम वही करना चाहिए जो बच्चों के हित का हो। और दूसरी बात है, जब हमने इनसे एफिडेविट ले लिए, जहाँ कहीं कमी पाई जाएगी ये जिम्मेवार होंगे, हमने तो तुरंत ऐलान कर दिया ताकि ये हमारे कोई भी व्यक्ति किसी की रिश्वत का भी शिकार ना हो, कोई उसे ब्लैकमेल भी ना करे, इसलिए हमने कहा हर स्कूल वाला सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट दे कि मैं कानून का पालन करूंगा, और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई। ये माना जाए कि एफिडेविट के बाद में इतिश्री हो गई, जरूरी नहीं कि कार्रवाई की जाए,
जो पकड़े जा रहे हैं उन पे हो रही है। आप कोई पकड़ा दे हम कर देंगे, नहीं नहीं आप पकड़ाए ना हम करेंगे। बहुत सी गाड़ियां आज ऐसी हैं जिनका इंश्योरेंस बहुत सी नहीं, आप मुझे नंबर दे दें, हम अभी यहीं बैठे बैठे कार्रवाई कराऊंगी।